वीडियो देखने आए हो, यूट्यूबर तो हो गई होगे, ठीक है। सबसे पहली बात कि जिसके लिए, जिस खबर के लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है, वो खबर 100 आना सच है, उसका प्रूफ है ये जो यूट्यूब से मेल आया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम्हें सॉरी, ये तो हमारा एक मस्त सा इंट्रो था। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हैरी टेक एंड व्लॉग्स। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या यूट्यूब ने उनकी पॉलिसी चेंज करी है या फिर ये सब फेक है। गाइस, अभी आपको मैंने मेल का स्क्रीनशॉट दिखाया। गाइस, ये पॉलिसी 100% रियल है, ठीक है। कोई इसमें कोई फ्रॉड वगैरह नहीं, कोई स्कैम वगैरह नहीं, बिल्कुल रियल पॉलिसीज हैं जो यूट्यूब ने अपनी अभी अपडेट करी हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 200 सब्सक्राइबर करने में मेरी हेल्प करो और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है गाइस। तो चलिए अपनी वीडियो को अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या है, यू आर रिसीविंग दिस ईमेल बिकॉज वी आर अपडेटिंग द यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस टू क्लैरिफाई आवर टर्म्स एंड प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी टू आवर यूजर्स। सो गाइस, यूट्यूब ने मतलब अपने यूजर्स को एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करी है और इस बार जो उसने टर्म्स अपडेट करे हैं वो डायरेक्टली अपने यूजर्स को बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो चेंज होने वाला है वो है फेशियल रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शंस। मतलब कि द टर्म्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी स्टेट दैट यू कैन नॉट कलेक्ट एनी इन्फॉर्मेशन दैट माइट आइडेंटिफाई अ पर्सन विदाउट देयर परमिशन। मतलब आप YouTube पे कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हो जिससे कि किसी और पर्सन की आइडेंटिटी जो है वो लीक हो रही है, या फिर आप उस पर्सन के परमिशन के बगैर उसकी आइडेंटिटी जानना चाहते हो, तो ये राइट अब YouTube को होने वाला है। गाइस, लेकिन इसका एग्जांपल क्या है ये मैं आपको भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो बहुत ही कहूँ एकदम डिस्टिंक्ट फीचर जो अभी YouTube ने बताया, मेरे को खुद समझ में नहीं आया सबसे पहला पॉइंट। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये बाकी जो दो पॉइंट है वो समझा दूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। YouTube's right to monetize, मतलब YouTube has the right to monetize all the content on platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube partner program। मतलब कि अब जो है ना, कि हम लोग सोचते थे पहले कि 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए, अब वैसा कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है वैसा झाड़। वैसे एक जो नेसेसरी है आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए वो तो ये है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं कह रहा हूँ आपके 10 सब्सक्राइबर हैं, अगर YouTube का मैंने तो आपका चैनल मोनेटाइज कर देगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के बगैर, आपके अगर मैं कह रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स भी हैं तो YouTube आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा। मतलब आप टोटली YouTube के पहले तो YouTube के हाथ में था ही कि अब वो मोनेटाइज करेगा या नहीं करेगा, लेकिन अब और भी ज़्यादा YouTube के हाथ में चला गया कि यार उसे मोनेटाइज करना है या नहीं करना है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट आता है वो है हमारा लॉयल्टी पेमेंट्स एंड टैक्स विदहोल्डिंग। तो मैं ये पॉइंट आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा पॉइंट को, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना एक मिनट, क्योंकि हर एक पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के फोन लॉक होगी एक सेकंड, ठीक है। तो पॉइंट ये है, फॉर क्रिएटर्स एंटाइटल टू रेवेन्यू पेमेंट्स सच पेमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज लॉयल्टीज फ्रॉम अ US टैक्स पर्सपेक्टिव एंड गूगल विल विदहोल्ड टैक्सेस वेयर रिक्वायर्ड बाय द लॉ। मतलब गाइस, जो हम लोग पहले मनी ट्रांसफ़र करते थे, जो सारे यूट्यूबर्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, हम लोग जो मनी ट्रांसफ़र करते थे पहले, उसमें क्या होता था, US से यानी यूनाइटेड स्टेट से जितना मनी का अमाउंट है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता था। लेकिन अब क्या होगा, जो US डॉलर से इंडिया में इंडियन रुपीज़ में इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र करने के लिए अमाउंट आएगा, पहले तो वो टैक्स लग जाएगा, ठीक है, वो टैक्स लग गया। अब जो गूगल है, गूगल के थ्रू तो वो ट्रांसफ़र करते हैं पैसे, थोड़े आपको चेक दिया है आपने पैसे ले लिए, वो गूगल के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं पैसे। अब जो गूगल अपना जो टैक्स लेगा वो भी उसमें ऐड होगा, और वो जितना जो ये टोटल अमाउंट दोनों टैक्स ऐड होंगे उतना आपके रेवेन्यू में से माइनस हो जाएगा, और जो बचेगा वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट जो कि यूट्यूब ने अपनी चेंज पॉलिसी में लाए हैं। सो होप आपको तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे गाइस, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और हाँ गाइस, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, मैं जानता हूँ मेरे 1700 सब्सक्राइबर्स हुए थे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो में।